नाराज परिजनों ने एसडीएम सदर व सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। फर्रुखाबाद में 6 सितंबर को पुलिया के पास किशोर की लाश मिलने का मामला, मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर मृतक किशोर के परिजनों ने डीएम से लगाई गुहार। दिए गए प्रार्थना पत्र में मृतक किशोर के पिता सूरज पाल ने कहा कि 6 सितंबर को सुबह 10 बजे सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी हैवतपुर गढ़िया तिराहे पुलिया के पास कृषि मृतक की लाश पड़ी है। सूचना पर पहुंचे एक परिजन ने मृतक की पहचान पिंकू पुत्र सूरजमल के रूप में की। इसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए और पुलिस ने किशोर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक किशोर के पिता सूरज पाल ने आरोप लगाया कि 5 सितंबर को परचून दुकानदार राकेश पुत्र पिंकू की जबरदस्ती घर से बुला ले गए थे। पीड़ित पिता सूरज पाल निवासी नागई खुर्द टाउनशिप ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित सूरज पाल ने हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए परचून दुकानदार राकेश व उसके 3 पुत्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम सदर व सिटी मजिस्ट्रेट ने पीड़ित परिवार से बात कर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर का है पूरा मामला। अभिषेक कटियार, फर्रुखाबाद समाचार 24। सूरज पाल कहाँ से आए? मुरूर रकाब सदर तहसील। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला जो है, मेरा बच्चा 5 तारीख को लाला 7 बजे घर से बुला के जबरदस्ती ले गया। बच्चे का नाम क्या? पिंकू। अच्छा, बच्चे का नाम पिंकू है। लाला का नाम क्या? तो लाला का नाम है राकेश लाला। अच्छा, तिकोना चौकी पे उसकी दुकान है। मुझे बुलाया, मुझसे बच्चे से बात करवाई। मैंने कही मेरा बच्चा छोड़ दो, मैं लेके जाऊंगा। उसने कही 10 मिनट के बाद तुम्हारा बच्चा भेज दूंगा। 10 मिनट के बाद मैं घर गए, तुरंत मुझे कॉल किया कि तुम्हारा बच्चा पीछे पीछे गया है। मेरा बच्चा पीछे पीछे नहीं गया, मैं उसके पास आए, मेरा बच्चा दो। उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा इधर नहीं है, घर गया है। हम ढूंढने लगे अपने बच्चों को, रात में ढूंढा। 1 बजे मऊ दरवाजे थाने में मैंने सूचना दी कि मेरा बच्चा इधर से लाला गंज से गायब हो गया है। 1 बजे ला ढूंढा है। उन्होंने कहा लिख के दो। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लिखवा के और देने दो। उन्होंने कहा जाओ बेटा ढूंढो और सवेरे आना। सवेरे जब हम गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि और ढूंढो बेटा। राकेश को रात में उन्होंने बंद किया, सुबह उन्होंने फिर छोड़ दिया। अच्छा जी, बच्चे, और छोड़ के बच्चा कहाँ से बरामद हुआ आपका? बच्चा बरामद हुआ है अहमदपुर गढ़िया नाले में। इन्होंने मार के बच्चे को मेरा डाल दिया, चोट के जे निदान है वो। किसने मारा? जीप निकली है। किसने मारा? राकेश लाला ने और 3 लड़कों ने उनके मिलकर। क्या अभी अब तक आपको हिसाब नहीं मिला? कोई नहीं, सुनवाई नहीं, कोई सूचना। कहीं जाते हैं तो यही कह देते हैं, भगा देते हैं, नहीं कि जाओ तुम्हारी सुनवाई करें। मेरा कोई इंसाफ नहीं दे रहा, कोई इंसाफ नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? पति का नाम? कहाँ से आई हैं आप? तहसील। जगह कौन सी जहाँ आप रहती हैं? अच्छा, तो आज आप यहाँ जिला अधिकारी के पास आई हैं, किस मामले को लेकर आई हैं? मेरा बेटा मर जा रहा है, राकेश लाला मेरे घर से बुला के ले गया जबरदस्ती खींच के। किस लिए? दुकान पे काम करता था, मेरा बेटा 15 दिन से नहीं जा रहा था। हाँ, तो मैंने कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, तभी नहीं किया। तो मेरा बेटा जबरदस्ती खींच के ले गया। मैंने अपने घर वालों के पास फोन किया, मेरे घर वाले गए तो उससे बात करके आए तो उसने ये बोला कि तुम्हारा बेटा घर पे चला गया। मेरा बेटा उसी माने दुकान में गेरिज थी, उसी ने सब बंद कर लिया। 10 मिनट के बाद मेरा आदमी वापिस गया, मेरा बेटा उधर से कहीं नहीं मिला। सारे गेट सब लॉक कर लिए और उसने सब गायब हो गए। मैं उसके घर पे गई, उसकी दुकान पे गई, किसी ने गेट नहीं खोला। अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? हमने थाने में की। कोई शिकायत तो मेरे लड़के की बॉडी रखी थी, तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे, तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तुम इस बॉडी को अंतिम सत्कार करो, हम तुम्हारी सुनेंगे। मेरे बच्चे की लाश दरवा दी जबरदस्ती, अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जा कह रहे 15 लाख रुपए ले लो, सुलह कर लो। मुझे सुलह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चा का इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी आप जब जिला अधिकारी महोदय के पास आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मुझे ये कही वो भी नहीं सुन रहे। अभी अभी आपने प्रार्थना पत्र दिया तो क्या कह रहे हो? डॉक्टरी की रिपोर्ट मुझे लाओ। हम डॉक्टरी कहाँ से रिपोर्ट लाएंगे जो मेरी कोई सुनी नहीं जाए? उसने पैसा सारे मिले।